चित्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हो? अभी तो सर्दी का मौसम चालू हो गया, हमारे यहाँ तो ठंडी पड़ना चालू हो गया है। और आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ ठंडी पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। और आप लोग मेरे पूरा वीडियो को देखिएगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आज आप लोगों को बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब आप लोग आज रेसिपी देने वाली हूँ, जो कि आप लोग थोड़ा सा भी बचा रहता है वो भी आप लोग बना के दो तीन आदमी के खा भी सकते हो। जैसे कि हमारे घर में आता है पनीर, तो थोड़ा ज़्यादा ही हम लोग मंगा लेते हैं क्योंकि चलो कोई बच जाता है या फिर कोई आ जाता है या थोड़ा एक्स्ट्रा भी बन जाता है, तो कोई उसका मैंने मतलब नहीं रहता है, मैंने रहता है तो सब लोग खा लेते हैं, सबको अच्छा लगता है मेरे ख्याल से पनीर का सब्ज़ी। तो उसी तरह मैं आज पनीर पराठा आप लोग को बना के दिखाने वाली हूँ, जो कि आप लोग चलिए और मेरे साथ देखिए कि आज पनीर पराठा मैं कैसे बनाती हूँ। और हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि अगर आप भी बना के उसको खाओगे तो निश्चित है कि वो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ सबको बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सोची कि आप सभी लोग से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग भी बनाएं और खाएं। अगर आप लोग इस मेरे तरीके से आप लोग बनाओगे, मेरे स्टाइल से आप लोग बनाओगे तो एकदम ज़रूर ही टेस्टी लगेगा, क्योंकि मेरे यहाँ ना मेरे बच्चे, तो मेरा बेटा है ना, उसको तो इतना टेस्टी लगता है ना कि बोलता है कि मम्मी मेरे लिए अब भी और फिर एक बार के लिए भी बार रखे रहिएगा। उसका वो बेटर जो कि अंदर भरने वाला, तो वो टिफिन में भी लेके जाता है ना स्कूल में, तो बोलता है कि मम्मी मेरे लिए एक दो पराठा उसमें एक्स्ट्रा ही डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग ज़रूरी मेरे को मांगेंगे। तो उन लोग को जैसे कि दो पराठा रोज लेके जाते हैं ना, तो उस दिन तीन पराठा दूंगी, तो वो सब लोग को शेयर करके आते हैं और बोलते हैं कि मम्मी आपकी बहुत तारीफ करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि आपकी मम्मी अच्छा बनाती हैं, तो आप बहुत अच्छा बनाती हैं। तो इसलिए मैं सोची कि चलो बच्चे लोग का फेवरेट और हमारा यूट्यूब चैनल पे उसको भी शेयर करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर ही मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर ही करिएगा और देखिए कि मैं किस प्रकार से बना रही हूँ, उसी प्रकार से सीधे बनाइएगा। देखिए मैं चल रही हूँ आज पनीर पराठा बनाने के लिए। तो पहले तो मैं प्याज और ये लहसुन को मैं काट ली हूँ, जो कि इसको एकदम बारीक मैंने काट लूँगी, जो कि ग्राइंडर जार में इसको रख के और इसको काट लूँगी। इसमें हरा मिर्च भी डालूँगी और लहसुन और ये प्याज, जो कि ये देखिए ये हरा मिर्ची तीन चार है, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, दो तीन आदमी के लिए मैं बनाऊँगी तो इसी के लिए। तो ये देखिए ये रहा, और उसके बाद से मैं सब सब्जी जो कि मैं प्याज और लहसुन जो भी है मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि ना जो कि भरने वाला चीज़ ना थोड़ा सा मैंने वो तीता और टेस्टी रहता है ना, तभी अच्छा लगता है। ये रहा मेरा पनीर, तो इसको हाथ से मैं बारीकी से इसको ऐसे मैश कर लूँगी। और ये देखिए जो कि मैं इसी में जो अपना ये बनाई थी उसको इसी में डाल लूँगी। स्वाद के अनुसार आपको नमक डालना है, इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन इतना टेस्टी लगता है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। मैं इसमें एक चम्मच के हिसाब से, मैं जितना आपको क्वांटिटी रहेगा ना उसी के हिसाब से आप डाल सकते हो नमक। और इसमें थोड़ा सा आपको लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देना है आप। और ये देखिए मेरा भरावन हो गया है रेडी। अगर ऐसे आप मेरे तरीके से बनाओगे ना, जो कि मैंने इसमें ग्राइंडेड जार में करके ना, तो इतना अच्छा लगेगा कि आपको क्या बताऊं। ये देखिए तो ऐसे इसको पेड़ा बना लेना है, दरवाजा सटा आप कैसे आपको बना लेना है। जैसे कि हम बेटर को भरेंगे, स्टोव को भरेंगे और ऐसे करके एक चम्मच इसमें डालना है, इसके नीचे इसको पुश कर देना है और इसको ऐसे ऐसे करके इसको बेल लेना है, इसको इस तरह से इसको बेल लेना है। आप इसको जितना बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। तो
इसको इसी तरह बार 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 करके अपना जितना बनाना है आप बस उसी प्रकार के सब आपको बना लेना है। कोई इसमें ये नहीं है, बहुत आराम से बन जाता है। अगर आपको इसमें और मसाला डालना है ना, जैसे कि आपको थोड़ा सा मिर्ची पाउडर हुआ या फिर गरम मसाला हुआ, मैंने अगर आपको पसंद है तो, और नहीं तो बस सिंपल में बनाना है बच्चों के टिफिन के लिए या फिर किसी के लिए, तो इस तरह ही बना लेंगे जो कि तीता नहीं रहता है और बच्चे लोग आराम से खा लेते हैं। और इसको ऐसे ऐसे करके घी या तेल जिसमें आपको बनाना है, मैं तो अभी इसमें घी में बना रही हूँ, तो आपको भी अगर इसमें बनाना है तो उसमें बना सकते हैं। इस तरह इसको बना के एकदम रेडी है चटनी या फिर टोमेटो साथ के साथ, टोमेटो के साथ केचप के साथ आप एकदम सर्व कर सकते हैं और खा सकते हैं। देखिए मेरा प्लेटिंग तैयार हो गया है, मैं ले चल रही हूँ अपने बच्चे लोग के देने। आप किसी को भी दो, बड़े बच्चे बूढ़े और जवान चाहे आप खाओ, इतना टेस्टी मेरे यहाँ तो सब लोग को पसंद है, इसलिए आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे स्टाइल का कोई नहीं बनाता है, जैसे कि मैं उसमें उसको पीस के बनाती हूँ ना, इतना टेस्टी और इतना चटक होता है ना, चटक माने आप लोग स्पाइसी, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी होता है। अगर मेरे स्टाइल का बनाओ और इसके साथ किसी भी चटनी से खाओ, मैं तो यहाँ रखी हूँ टोमेटो केचप और वो ग्रीन चिल्ली सॉस रखी हूँ, जो कि मैं जा रही हूँ अपने बच्चे लोग को देने। तो आप लोग को मैं अपने मन से अपने दिल से ज़रूर सोच रही हूँ कि आप लोग भी बनाओगे तो मेरे जैसे ही बनाओगे, आप लोग के बच्चे और आप लोग के परिवार में ज़रूर ही उसको सब लोग लाइक करेंगे, और एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे, मैं तो एकदम ज़रूर ही आप लोग से बोल रही हूँ, क्योंकि आप उसको ज़रूर ही बनाना और खाना और सबको भी पसंद आएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ और अपने वीडियो को कर रही हूँ एंड। इसी के साथ साथ बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि अभी रात हो गई है, तो मैं आज नाइट में ही बनाई हूँ उसको, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और अपने बच्चे लोग के लिए पहले बताई हूँ तो उन लोग के लिए मैंने टिफिन में बना के हमेशा ही बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि आज ही बस बनाई हूँ, तो उन लोग के लिए जब बनाती हूँ तो उन लोगों को वही बात होती है, तो इसीलिए आप लोग से शेयर की। अभी तो रात हो गया है, नाइट हो गई है, तो फिर इसी के साथ साथ बाय बाय, गुड नाइट, और मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। इसी के साथ साथ बाय बाय।